भैया देखो आप लोग, पहले हमें क्या निकलना, नेचर ऑफ गुड्स निकलना होता है, हाँ मालूम करना होता है। तो आप ये बताओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है बाबूजी? हाँ बताओ आप। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। हाँ बैठ जाओ बाबू। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यही होता है। अच्छा जो हमारा फार्मूला है एक्स का वैल्यू निकालने का, एक्स इज इक्वल टू यानी रूट से ज्ञात करने के लिए, रूट से ज्ञात करने क्या हो गया फार्मूला, माइनस बी अपॉन ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ध्यान देना ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है, ए डी है, डी डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। बात समझ में है क्या हुआ बाबू? डी को जानते हैं क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्री इसको आप क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक भैया। हिंदी में कहते हैं विविक्त कर, क्या कहते हैं हिंदी में, विविक्त कर बाबू, मालूम हुआ? तो अब जो है अभी बात सुनो, यहाँ हमें मालूम करना है नेचर, नेचर ऑफ रूट्स, क्या मालूम करना है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। ध्यान देना रूट्स रियल कब होते हैं, रूट्स ध्यान दो अब आप लोग, चूंकि यहाँ डी है, ए डी है ना, तो हम किसी भी स्क्वायर रूट कब निकाल सकते हो, जब पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव हो, अगर निगेटिव होगा तो निकाल सकते हो क्या, नहीं ना बाबू। तो यानी कहने का मतलब ये है when बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, when बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बाबू सुने क्या, when बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट माने भिन्न भिन्न, डिस्टिंक्ट माने क्या होता है, भिन्न भिन्न माने अलग अलग, मेरी बात समझ में आई बाबू? जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा होता है तो रूट क्या होते हैं, वास्तविक और भिन्न, माने रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल माने वास्तविक और डिस्टिंक्ट माने भिन्न भिन्न, बात समझ में आया। आगे धन्यवाद। दूसरी बात है जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो हो, व्हेन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, देन क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल यानी बराबर होंगे, मेरी बात समझ में आई, तब रूट क्या, रूट्स क्या होंगे, वास्तविक और क्या समान, यानी रूट आपके माइनस बी अपान यहाँ टू ए होगा। देखो आप लोग देखो, ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, अगर जीरो से बड़ा है तो बड़ा होगा, यानी तब एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन एक, अंडर रूट डी अपॉन टू ए होगा एक, और एक क्या होगा, हाँ और क्या होगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए होगा। बात समझ में आई, जब ये जीरो के बराबर होगा आपका जीरो हो जाएगा, ए होगा ना, ए प्लस जीरो मतलब ए बचेगा, तो क्या है, माइनस बी अपॉन टू, जब ये होगा। बात समझ में आया। अब जब नंबर तीन बात सुनो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, जब लेस देन जीरो यानी यहाँ क्या होगा, माइनस नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव जो है हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अनरियल, उसकी वैल्यू नहीं होगी।
ठीक है, एक बात समझ में आई। चलो बाबू चले आगे, नोट करोगे आप लोग? चलो हाँ भैया चलो, अब कहाँ कहाँ था और सब बताओ, जब सवलिया कहा हो कहा लिखा हो, कुछ समझ में नहीं आवा था। भैया मिश्रा खड़ा हो बताओ, कहा तो हाँ था, हमें कुछ समझ नहीं आया होता मिश्रा। मुझे फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हां इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, हम लोग के द फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, हम लोग के रूट का नेचर फाइंड करना बा, जोन की पॉलीनोमियल दी हवा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जोन दी हवा, अच्छा उसे हमें रूट का नेचर ज्ञात करना बा, अच्छा और यदि अगर रूट्स रियल बा, अगर मतलब रियल में एग्जिस्ट करता, हां रूट के ज्ञात करना बा, अच्छा ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। भैया बाबू आओ, अब यहाँ क्या लिख लिया जाए, सोल्यूशन ठीक बाबू। नंबर एक, टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पहले क्या लिख लिया गिवन जाए, ठीक बा, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक। अब हमके चूंकि क्या करना है, ज्ञात करना है का कि रूट्स नेचर ज्ञात करना होता है, नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स, और नेचर कैसे मालूम हुए, जब हमके काम मालूम हुए डिस्क्रिमिनेंट, हाँ डिस्क्रिमिनेंट टेल्स अस द नेचर ऑफ द रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट क्या हमें बताता है किसकी रूट की नेचर की बारे में, है ना बाबू। अब यहाँ बाबूजी निकाले हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, टू कंपेयर, क्या करोगे, टू कंपेयर किससे भैया, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ ए इक्वल टू कितना होगा, बी इक्वल टू कितना होगा और सी इक्वल टू कितना होगा, ठीक। अब d बराबर कितना होगा बाबू, यही होगा ना बाबू, यानी माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर, ठीक साहब, नाइन माइनस चालीस इज इक्वल टू बाबू थर्टी वन लेस देन जीरो, मिश्रा लेस देन जीरो, माइनस इज मोर देन प्लस, हां बना तो जीरो हो गया ना, यानी रूट का हो गया, रूट्स का हो गया, रूट्स आर अनरियल, ये रूट रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रूट्स रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, बना तो क्या हो जाए, सो अब वहां बना, सो द रूट्स, सो द रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, बाबू बस वही क्या निकाले थे ना, बात बा समझ में आए। अच्छा नंबर दो, यही नंबर दो देख लीजिए का बाबू, समझ भैया आ कि नहीं, मुझे बताओ बाबू, हाँ अब नंबर दो ठीक ना जगह बहुत बार, तो थ्री एक्स स्क्वायर लिखवा जाकर आप लोगों ने लिखे के बाद गिवन दैट द क्वालिटी की इक्वेशन लिख ले बजा ना, हाँ माइनस फोर अंडर रूट थ्री एक्स प्लस फोर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, कहा भैया साफ से लिख दे, देखो अब यहाँ हमको निकालना पड़ा, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकल गए, ए ए इज इक्वल टू का हुए टू कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ए इज इक्वल टू कितना हुए बी इज इक्वल टू कितना हुए माइनस फोर रूट थ्री और सी इज इक्वल टू, अब भैया डी बराबर यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, तो बाबू कहाँ हुए माइनस फोर अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, हाँ फोर थ्री इंटू फोर, हाँ भैया सोलह
सोलह इंटू थ्री अड़तालीस कहा है बाबू, समझ में आवा था? फोर की स्क्वायर सोलह और अंडर रूट थ्री की स्क्वायर थ्री, हाँ बात समझ में, और यह कहा अड़तालीस इज इक्वल टू, तो बाबू कहा हुए द रूट्स इक्वल एंड सेम, हाँ रियल एंड इक्वल हुए ना, या द रूट्स हाँ एग्जिस्ट, द रूट्स रिकवर एग्जिस्ट होते ना, यहाँ क्या होते सो, हाँ या लिख दे सो द रूट्स, हाँ रूट्स आर रियल नो एंड इक्वल नो बाबू, हो जाए ना, अब हमके ज्ञात करना बाबू मिश्रा, और ज्ञात करना यस इज इक्वल टू क्या होता, फार्मूला से निकाले की बात, हाँ माइनस बी प्लस प्लस माइनस माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए सी अपॉन टू ए सी, अरे ए ए भैया देखे मिश्रा बहुत बुद्धिमान बहुत अच्छा, ठीक हाँ बाबू आगे, अब आगे क्या हुए बी कितना बा माइनस फोर माइनस बा, तो माइनस माइनस लदी डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट मत खा जा, माइनस फोर अंडर रूट थ्री प्लस माइनस अभी कितना भाई निकाले है जा बाबू जीरो जीरो न भैया अपॉन टू ए कितना बा थ्री थ्री, ये भैया बाबू आगे हो जाए ये माइनस कट जाए और देखो बाबू यहाँ देखा ये कट जाए ना हो बराबर क्या हुए फोर अंडर रूट थ्री अपॉन सिक्स आ जाए बाबू ध्यान जा तो टू से टू टू जा और टू थ्री जा टू अंडर रूट ये आए, अब बाबू अंडर रूट थ्री बना, अब यहाँ क्या होता थ्री इज इक्वल टू क्या होता अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री हो ना भैया, तो टू इंटू अंडर रूट थ्री अपॉन अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री बाबू कैंसिल क्या हो जाए टू बाई अंडर रूट थ्री, समझ में बात है, यहाँ क्या लिख दिया मैं हेंस हेंस द रूट्स आर टू बाई अंडर रूट थ्री एंड टू बाई अंडर रूट थ्री, समझ में बाबू आए आर चला जाए बाबू रूट से यहाँ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना आर कैसे रूट हुए दो ही हुए ना सदैव का हुए दो ही हुए, बात समझ में आ भैया, चला नंबर तीन, हाँ देखिए आप लोग क्या है टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, पहले क्या करोगे आप लोग पहले कंपेयर करें, यहाँ लिख लेना गिवन दैट ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, अब यहाँ क्या करेंगे आप लोग टू कंपेयर किससे भैया ओके क्या क्या बाबू एक मारी मारा क्या करते जहाँ विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो जीरो, ए बराबर कितना है भैया टू टू बी बराबर माइनस सिक्स और सी बराबर थ्री, अब भैया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हाँ इज इक्वल टू कितना है जल्दी बोलो जा माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू थ्री, हाँ भैया रूट्स आर न बाबू रियल एंड भैया भैया, अब हमके याद करे की बात फार्मूला कहा बाबू रुक जा फार्मूला, अब आप बताओ मैं खड़ा हूँ अगले बता रहे आप बोला माइनस बी
माइनस बी प्लस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट अंडर रूट बी माइनस बी माइनस फोर ए सी बी माइनस फोर ए सी ठीक अंडर रूट टू ए अरे अब अपॉन टू ए भैया खड़ा सही बा बी स्क्वायर माइनस हाँ बढ़िया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ठीक बात अरे चलो आगे अब आगे चले जा अब यहाँ बाबू बी कितना बा माइनस सिक्स बा यहाँ माइनस सिक्स हुए प्लस माइनस ये कितना बा बारह भैया बारह अपॉन टू ए ए कितना बा दो भैया दो बाग नहीं बा बाबू क्या हो जाए माइनस माइनस प्लस अब प्लस माइनस यहाँ बा अब भैया हो बारह 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 बाबू बारह चार गुड़ते हैं दो रूट तीन तीन कैसे बाबू हाँ देखा जाए मिश्रा हमें क्या पता टू अंडर रूट थ्री कैसे होगा मुझे बताओगे तब ना बारह क्या होता है मिश्रा चार गुड़ तीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ फोर कितना होता है मिश्रा क्या दो होता है क्या भैया चार का वर्गमूल कितना होता है यार हाँ टू इंटू टू स्क्वायर रूट टू होगा अंडर बाबू मालूम हुआ तो अब यहाँ क्या होगा बाबू फोर इंटू थ्री अपॉन टू इंटू टू न भैया तो क्या होगा सिक्स प्लस और माइनस इसका क्या होगा टू अंडर रूट थ्री अपॉन भैया हाँ बाबू टू कॉमन ले 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 लीजिए आप लोग क्या बचा भैया तीन प्लस माइनस बटा में दो दूना भैया अपन अतः हेंस बाबू द रूट से अर्थ कितना हो जाए थ्री प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन टू और थ्री माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन थ्री प्लस एंड थ्री माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन बाबू मालूम भा भैया चलो आगे अगला नंबर भैया तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कौन बताएगा मिश्रा यार समझाओ मुझे यार हाँ Find the values of k for each of the following quadratic expression. So that they have two equal roots. हाँ हम लोग को k का value find करना है हर एक quadratic expression. Find the values of k यानी k का value निकालना है हाँ. अच्छा इसके लिए बाबू हर एक quadratic equation का For each of the following quadratic इक्वेशन मैंने नीचे जो दिए गए हैं द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण होता है क्या प्रत्येक द्विघात समीकरण के लिए हमें के का ऐसा मान ज्ञात करना है बाबू ठीक काहे के बाबू सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट हां उसके दो इक्वल रूट्स आ जाए सो दैट मींस क्या मैं मिश्रा यार बताओ ना सो दैट मींस क्या मैं मिश्रा तो बताओ ना सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स दे हैव टू इक्वल रूट्स बाबू सो दैट माने नीचे दिए गए द्विघात समीकरणों के इस प्रकार में के का इस मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए ना बाबू ताकि दे हैव टू इक्वल रूट्स उन्हें दो समान मूल पर उनके पास क्या हो दो समान मूल हो मैंने मूल इक्वल बाबू अब बताएगा कौन जानते हैं मिश्रा मिश्रा जो है क्या है हम मिश्रा जी आप बताओ यार व्हेन द रूट्स आर इक्वल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो कहो सच्ची में बी स्क्वायर माइनस फोर इसी बराबर जीरो हो तो मुझे कहा यार अच्छा तब कहा इक्वल अरे ये मिश्रा जैसे रूट से इक्वल बी स्क्वायर माइनस फोर इसी इक्वल टू जीरो का तो रूट कहाँ रहे यार दोनों इक्वल रूट
हाँ तो बुनो का रहे रूट कहाँ हुए भाई बी माइनस माइनस बी अपॉन टू ए रूट का हो जाए माइनस बी अपॉन टू ए और देखा लो छोड़ दे बाबू भाई हाँ भैया अब क्या कहो था पहले पहला काम क्या है हमको निकालना है ठीक है पहले इसका तुलना कर ले कंपेयर कर ले ठीक है बिल्कुल निकालना है ना यहाँ वो नंबर एक डाल लीजिए हाँ और क्या है गिवन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो टू कंपेयर विथ ठीक है बाबू भैया टू कंपेयर विथ किसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए बाबू ए बराबर कितना आएगा बी बराबर बाबू सी इज इक्वल टू तो द रूट्स आर इक्वल द रूट्स आर इक्वल कब कब देखो द रूट्स आर इक्वल व्हेन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो बाबू मिश्रा द रूट्स आर इक्वल नौ बराबर होते हैं क्या होते हैं बराबर होते हैं इक्वल यहाँ इक्वल नहीं इक्वल ठीक बात तो अब यहाँ हुए कब जब व्हेन व्हेन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो का बाबू ये ना हो तो बाबू कहाँ है बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी बाबू जीरो है भैया के स्क्वायर चार तो नहीं आठ तीन इज इक्वल टू जीरो बाबू के स्क्वायर इज इक्वल टू कहाँ हुए ट्वेंटी फोर के इज इक्वल टू कहाँ हुए प्लस माइनस आए बाबू अंडर रूट हो जाए अब बाबू एक मुझे क्या पता 24 जैसे निकाला है मिश्रा एक बारह भी निकाला है कैसे निकाले रहे चार इंटू का हो सके थे बाबू मिश्रा बाबू हो सके थे का चार के बल बाबू समझ में आए भैया चलो बाबू अब क्या हो जाए यहाँ नौ लिखने जा प्लस माइनस चार बुते छ प्लस माइनस टू अंडर रूट समझ में बाबू अब इसके लिए फॉर हेंस का लिखना हेंस हाँ के इज इक्वल टू प्लस माइनस टू अंडर रूट सिक्स द रूट्स विल बी इक्वल सुनो बाबू भैया समझ में आए आओ नंबर दूसरा देख लिया जाए नौ हो पाए नहीं नौ देखा आप लोगों के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो पहले क्या करोगे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनोगे बनोगे ना हाँ तो बाबू क्या हो जाए यहाँ देखो के एक्स स्क्वायर माइनस हाँ वेरी गुड शाबाश हाँ बाबू अब क्या करना भैया हाँ टू कैसे कंपेयर करना मिश्रा हाँ भैया ए बराबर कितना है बाबू के बी बराबर कितना है भैया बारे भाई वाह सी बराबर कितना है बाबू वाह भाई वाह अब बाबू क्या करेंगे बा एक ऐसा वैल्यू ज्ञात करना है ताकि क्या हो कब होते हैं जीरो तो बाबू यहाँ लिख लेगा जा यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो यानी का
रुक जा रुक जा, लिख लिया जाए आराम से, लिखा जाए आराम से, लगा जाए। इक्वल व्हेन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो ना बाबू? अच्छा कब बताया बाबू? माइनस टू के कब बताया है? अच्छा माइनस फोर इंटू के रहा इंटू सिक्स, अच्छा बराबर जीरो। अब कहा भी आए का टू के फोर के स्क्वायर, फोर के स्क्वायर। अब ये क्या कहा भी आए? 24K। अच्छा बाबू अब करे बात कहा है बाबू? कहा है भैया राजा बाबू? कहा है बद बाबू? दोनों में कुछ कॉमन बा और का बा? फोर के दोनों में क्या कॉमन बा? यहाँ का बच्चा भैया यहाँ का बच्चा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ का है फोर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, हो सकता था का? तब का हुए के इज इक्वल टू जीरो आर के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, लेकिन के इज इक्वल टू जीरो हो जाए भैया बाबू ये तो कुल जीरो हो जाए ना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवे कहाँ करे संभव का? तो बाबू यह नहीं संभव बा, यह नहीं संभव बा। यहाँ का हो जाए बाबू के इज इक्वल टू सिक्स, सुना भैया फॉर के इज इक्वल टू सिक्स द रूट्स आर विल बी इक्वल। सुन आंसर कितना आएगी बाबू? लिख ले भाई अपन, ओके थैंक यू, चल चलिए आगे बढ़ा जाए। अरे मोरे बाप, हाँ भैया क्वेश्चन नंबर थ्री। हाँ चलो बताओ बाबू क्या लिखा है, पहले यार मिश्रा बताओ मुझे क्या लिखा है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हाँ अब बताओ यार क्या मतलब है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, पहले इतने का बताओ क्या होगा यार, क्या ये संभव है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो की पेटी बना सकते हैं जिसका करेक्ट करेक्ट। बाबू अब खड़ा बाबू खड़ा बाबू खड़ा, क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं? सकते हैं। चल यानी कहने वाला भैया सुनो बाबू, मैंने क्या कह रहा है, क्या रेक्टेंगुलर ध्यान दे आप रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव यानी का अमरूद का बगीचा, सुने बबुआ अमरूद का बगीचा बगीचा यहाँ अमरूद पेड़ लगा था ठीक बा? हाँ तो बाबू मतलब क्या इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, क्या आयताकार आयताकार अमरूद का बगीचा यहाँ तैयार करना डिजाइन करना संभव है? कैसा भैया? इसका लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी अगर ब्रेथ इसका x है तो लेंथ कितना हो जाए 2x एंड द एरिया, और एरिया कितना है बाबू? 800 मीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स लेंथ एंड लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें बाबू, समझे बाबू? भैया समझ गए वाले? अच्छा ठीक है अब भी बैठ जाओ, आप बताओ आप बताओ हमके बाबू। अब यह कहता चौड़ाई कितना मान लिया वो एक्स मीटर, लंबाई कितना है बाबू? 2x कहे कहे में ट्वाइस ठीक बा? अच्छा बाबू एरिया बराबर कहाँ है? एरिया एल इनटू बी, अच्छा बाबू एल इनटू बी बराबर कितना बा? बात ना है बाबू 800, अच्छा भैया बी कितना बा? एल कितना बा? 2x और बी कितना बा? ax और बराबर कितना होता है? 800। अच्छा बाबू ठीक है, अब यहाँ कहाँ है बाबू? 3 है, 2x स्क्वायर
दूरी है अच्छा बाबू आज हमारे चौड़ाई बाबू लंबाई कितना हो यानी 2 into 20 कितना 40 मीटर डिजाइन है का बगीचा हो बड़ी का सच्ची बैठ जाए यार और है हो तीसरा बगीचा तैयार हो लेट ठीक है मैंगो ग्रो कहे भैया हम अमरूद कर रहे हैं आम का बगीचा हो हम अमरूद के यहाँ का अभी ध्यान आवत है यार देखा दिमाग पर चल रहा लेट द ब्रेथ ऑफ हाँ ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स मीटर ना हो एंड लेंथ इज इक्वल टू का हो जाए 2 into x 2x मीटर होए बाबू एरिया इज इक्वल टू द एरिया इज इक्वल टू एल इनटू बी बाबू यानी 2x इनटू x इज इक्वल टू कितना बाबू 800 यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ठीक बाबू एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर कैसे कायदे से लगोगे ना अंडर 401 यहाँ लिखे ना तो बराबर का बाबू 20 मीटर अब ब्रेथ इज इक्वल टू कितना आएगा 20 सो लेंथ इज इक्वल टू 2 into 20 is equal to 40. Okay, thank you. आगे बढ़ा जाए. हाँ. भैया मिश्रा, क्या कहा था? Is the following situation possible? समझे ना? Situation possible भाग ना ही. So detail भाई तेरा present day. अगर possible बात तो क्या निकलना बाहर? Present day. But the sum of the ages of two friends. Two friends हैं. कौन friends हैं? Two friends. श्रीराम मिश्रा हाँ इनका एज का योग सुना इसे ऐसे सुना एक जने दूसरा जने इनका उम्र कितना होता है मिश्रा जोड़ कितना बार 20 बरस बार समझा अब 4 years ago और 4 साल पहले समझे ना यानी जब इनका उम्र यमन बार यमन से 4 साल समझा हो और इन्हों की उम्र 4 साल कम ही हुए तब हाँ कहाँ हो 4 साल कम हुए तो बाबू कितना बार 48 बार मैंने इतना वर्ष होता है अगर संभव बा इनके वर्तमान उम्र ज्ञात करे ठीक बाबू समझ भैया आया आओ देखो तो बाबू क्या कर लेट द फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स सेकेंड का कितना है बाबू सेकेंड का कितना हुए हाँ शाबाश शाबाश बाबूजी शाबाश बराबर का है बाबू हरे कितना हुए सुनो भैया राजा अब बताओ 4 years पर इनका कितना हुए जल्दी बोलो जाए एक्स माइनस फोर बाबू इनका कितना हुए 20 माइनस एक्स माइनस फोर यानी 16 माइनस एक्स भैया कितना कहो तो 48 ना बाबू अब हम करें क्या ठीक तो बाबू क्या हो जाए देखो यहाँ 16 एक्स माइनस का हो एक्स स्क्वायर माइनस का हो 16 से का 64 माइनस इनटू माइनस प्लस ना भैया बराबर 48 बाबू अब यहाँ क्या ना माइनस एक्स स्क्वायर 16 चार 20 एक्स माइनस 64 यह को छंद करवे ना लगो 48 बराबर 0 भैया हो
यार कम होने लगे ना हां x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0 बाबू a बराबर 1 और b बराबर माइनस 20 और c बराबर और भैया b स्क्वायर माइनस 4 इसी कितना है बाबू बाबू माइनस 20 स्क्वायर हां माइनस 4 इनटू 1 इनटू 112 यानी बाबू 400 ऋण अड़तालीस कितना बाबू लेस देन यानी इट इज समझ में आए का लिखना लिख ले बजे का नहीं फिर से सुन ले फिर से सुन ले अगर लिख देगा और लिख जाएगा चल जाएगा आगे बाबू लेट इज इक्वल टू एक्स ही है ना बाबू एज इज इक्वल टू कितना हो जाए 20 माइनस एक्स अच्छा रिगार्डिंग टू क्वेश्चन डाल दी थी हां टाइम बहुत कम बा इतनी ना ही पर टाइम बा कहां 20 माइनस का हो जाए माइनस 4 इज इक्वल टू 48 ना भैया एक्स माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू बाबू मल्टीप्लाई कर पाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हाँ सही से 16 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4 एक्स इज इक्वल टू 48 कितना है बाबू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0 माइनस कॉमन यानी माइनस कॉमन ले लिया बचा एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 112 इज इक्वल टू 0 अब बी स्क्वायर माइनस 4 सी ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू माइनस 20 सी इज इक्वल टू 112 अब बी स्क्वायर माइनस 4 सी बाबू भैया माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इनटू 1 इनटू 100 यही ना बाबू इज इक्वल टू क्या होगा 400 हाँ इज इक्वल टू माइनस 40 लेस देन ठीक है बाबू आगे देखो अगला क्वेश्चन है लास्ट वाला उसे लगा ले हाँ भैया देखो अगला 5वां नंबर क्या कर रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म आप पेरीमीटर 80 ध्यान देना आपको 80 मीटर बाबू देखो इधर आपको एक जो पार्क की डिजाइन करना है रेक्टेंगुलर पार्क की सुने हैं आप इसका जो पेरीमीटर पेरीमीटर क्या होता है यह तो भी होता है इज इक्वल टू कितना है 80 मीटर बाबू ध्यान देना एंड एरिया और एरिया इज इक्वल टू क्या होता है एल इनटू बी इज इक्वल टू क्या है 400 मीटर स्क्वायर क्या ऐसा संभव है डिजाइन करना अगर है तो लंबाई छोड़ाई ज्ञात कीजिए तो लंबाई छोड़ाई ज्ञात कीजिए तो बाबू देखो आप भैया हाफ पेरीमीटर यानी एल प्लस बी बराबर क्या होता है पी बाई टू होता है ना यानी कितना होगा आपका 80 बाई टू यानी 40 आएगा बाबू 40 मीटर ना अगर आपने b को x से लिया तो l क्या होगा बाबू 40 माइनस x होगा नहीं होगा हाँ होगा ना यानी l इज इक्वल टू क्या होगा आपका 40 माइनस x यानी आपका b आ गया अब एरिया इज इक्वल टू क्या होगा l इनटू b यानी x इनटू 40 माइनस x इज इक्वल टू कितना बाबू बाबू अब यहाँ क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 कर दो यार माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 एक्स माइनस 400 इज इक्वल टू 0 माइनस कॉमन ले लो आप एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 अब बाबू क्या होगा 20 20 ही हम 400 अब 20 20 एक्स प्लस 20 एक्स माइनस 20 समझ में आए यार ये भी 20 वो भी 20 ओके आप कैसे लगे देखिए चलो लेट
ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स मीटर ना बाबू। अब क्या होगा? सो यल बोले गिवन दैट लिखो ना, तो गिवन दिया बाबू, पहले दिया लिख लो, ठीक है? पहले क्या करो आप, दिया ठीक है, गिवन दैट ठीक। पेरीमीटर एल टू अंडर ब्रैकेट एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना है आपका 80, ठीक है? यानी एल प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा 80 बाई टू, यानी कितना 40 मीटर। सुने भैया? और क्या है एरिया एल इंटू बी इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ क्या करो आप, मान लीजिए लेट बी इज इक्वल टू एक्स मीटर, सो एल इज इक्वल टू क्या होगा 40 माइनस एक्स मीटर। बाकी आप लोग निकाल लोगे, देखो एरिया इज इक्वल टू क्या एल इंटू बी ना बाबू, यानी 40 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना 400 ना बाबू, यानी क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 एक्स माइनस 400 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर 40 एक्स प्लस 400 इज इक्वल टू 0 ना बाबू, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 कर लें इंटू एक्स प्लस 400 इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस बाबू माइनस 20 एक्स प्लस 400 फिर x कॉमन लेंगे, हां x माइनस 20 फिर इधर से 20 कॉमन लेंगे माइनस 20 x माइनस 20 हां फिर x माइनस 20 x माइनस 20 इक्वल टू 0 x इक्वल टू कितना आ रहा है 20 ठीक समझ में आया? हाँ जी। So length is equal to 20, breadth is equal to 20 meter, and breadth is equal to 20 meter. Okay. Thank you.